पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव यादव के मझोली स्थित कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक गांव की बुलंद आवाज भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जमीनी और कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ केक काट कर मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर संजीव यादव ने कहा कि आने वाली उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी की होगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य और पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अब प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में आई है। कार्यक्रम में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सुमित यादव, यूसुफ अंसारी, राजीव सिंघल, राजकुमार प्रजापति, गुरमीत बेदी, रवि ठाकुर, अखिल चौधरी, भूप सिंह यादव, सत्येंद्र शर्मा, रत्ना सिंह, रवि ठाकुर, निशांत चिकारा, शिवम दिवाकर, रोहित चौधरी, प्रसून भटनागर, वसीम, राजेश्वरी यादव, अलका दुबे, सुनीता जाटव के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों के दिलों की आवाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारे नेताजी के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनका 83वां जन्मदिन हम लोग आज यहाँ बहुत धूमधाम से पार्टी के लोग सभी मना रहे हैं। यादव जी, समाजवादी पार्टी दो पार्ट में दिखाई दे रही है मुरादाबाद में, अभी कार्यालय में मना है, फिर यहाँ मन रहा है, चुनाव सिर पर रखा, किस तरह से जाएगा? आप इसे गलत तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पिछले 10 वर्षों से लगातार पूरे लाइन पर क्षेत्र का, यहाँ पर जहाँ पर जिस परिसर में आप खड़े हुए हैं, यहाँ हर वर्ष जय नेताजी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से पिछले 10 वर्षों से मनाया जाता है। और पार्टी का ये दो फाड़ का मसला नहीं है, ये पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की दिल की आवाज़ है। हर घर में नेताजी का जन्मदिन मनाया जाएगा, एक एक बच्चा नेताजी का जन्मदिन मनाएगा। ये कोई आवश्यक नहीं कि पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन मनाया जाए, हम लोग पार्टी कार्यालय पर भी जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के लोग होंगे वो एक एक बच्चा समाजवादी पार्टी के नेता का जन्मदिन मनाएगा और हर्षोल्लास के साथ मनाएगा और इस उत्साह के साथ मनाएगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि जो लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं कार्यालय पर नहीं दिखाई दी, मेरा सवाल सिर्फ वो है। नहीं, सभी लोग जो है मैं समझता हूँ, हाजी यूसुफ अंसारी साहब, राजीव सिंघल साहब, राजकुमार प्रजापति साहब और तमाम लोग जो मुकेश यादव जी, रिजवान साहब और हमारे जो है बेदी जी, सारे लोग पार्टी कार्यालय पर थे। सभी लोग जो है सब लोग पार्टी कार्यालय भी जाते हैं। पार्टी कार्यालय हमारा घर है और वहाँ हमारा जाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो पार्टी कार्यकर्ता वो पार्टी कार्यालय पर जाएंगे और अपने अपने घरों पर भी नेताजी का जन्मदिन मनाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।